नमस्कार दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत से लोग वजन घटाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, खास तौर से एक्सरसाइज और डाइट को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं, लेकिन फिर भी वजन कम करना उनके लिए एक चैलेंज होता है क्योंकि इसके लिए समर्पण और निरंतरता की ज़रूरत होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केवल एक्सरसाइज और डाइट ही आपका वजन घटाने में मदद नहीं करती, बल्कि जीवन शैली से जुड़े कुछ कारक भी बेहद प्रभावी हो सकते हैं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना वजन तेजी से कम करने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे। सफेद चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। वजन घटाने के लिए आपने चीनी से परहेज करने के बारे में कई बार सुना होगा, यह बात सच है। जबकि गुड़ पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसीलिए अपने भोजन में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करने की आदत डालें। ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का सेवन करें। वजन घटाने वालों के लिए ठंडा पानी उनका दुश्मन है, इसीलिए जो लोग वजन घटाने की सोच रहे हैं उन्हें पहली फुर्सत में ठंडे पानी की जगह पर गर्म पानी का सेवन शुरू कर देना चाहिए। दरअसल गर्म पानी आपकी पाचन अग्नि को जलाने में मदद करता है और इसे अच्छा रखता है। रात में देर से सोने के बजाय जल्दी सोएं। जब आप सोते हैं तो आपका लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, इसीलिए देर रात तक सोने से वजन घटने में समय लग सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप बहुत तेजी से वजन घटाना चाहते हैं तो रात 10 बजे से पहले सोने की कोशिश करें। देर रात में नहीं जल्दी खाना खाएं। सूर्यास्त के बाद चयापचय बहुत कम हो जाता है, इसीलिए जितना हो सके रात का खाना जल्दी खा लें और कोशिश करें कि डिनर ज्यादा हैवी ना हो। वजन कम करने के दौरान देर रात तक खाने से वजन बढ़ सकता है, इसीलिए रात में 8 बजे से पहले खाना खाने की आदत डाल लें। फ्रूट जूस नहीं बल्कि फ्रूट्स खाएं। वेट लॉस करने वाले जो लोग फ्रूट जूस पर निर्भर रहते हैं उन्हें इसके बजाय फल खाने चाहिए, क्योंकि जब आप फलों के रस का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद फाइबर लगभग खत्म हो जाता है और तरल होने के कारण आप ज़्यादा मात्रा में इसे पी जाते हैं। लेकिन जब आप फल चबाते हैं तो उनका पाचन ठीक आपके मुँह से शुरू होता है और फाइबर भी बरकरार रहता है, इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार फलों का रस पीने से अच्छा है कि वजन कम करने के लिए ताज़े फल खाए। दोपहर का भोजन छोड़ने से बेहतर है अच्छा भोजन करें। वजन कम करने के लिए दोपहर का भोजन छोड़ने जैसी गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि मध्यम से भारी भोजन करने के लिए सुबह 10 से दोपहर 10 बजे का समय अच्छा रहता है। इस समय मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, इसीलिए दोपहर का भोजन छोड़ने से बेहतर है कि दोपहर में अच्छा और स्वस्थ भोजन करें। रोजाना व्यायाम करें। अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्वस्थ भोजन विकल्पों के साथ व्यायाम करना स्थायी वजन घटाने का अच्छा तरीका है, इसीलिए खुद को एक्टिव रखें। आप चाहे तो योग, सैर, टहलना, साइकिल चलाना और तैराकी जैसे तरीके अपना सकते हैं। यहाँ बताए गए तरीकों को अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए और फिर देखिए आप कितनी तेजी और स्वस्थ तरीके से वजन घटाने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह की और हेल्थ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।